हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 7 की रीडिंग करेंगे। द साउथर्न प्लेट्यू, इसकी मीनिंग होती है बच्चों दक्षिणी पठार। द साउथर्न प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया। दक्षिणी पठार भारत के महत्वपूर्ण लैंड फॉर्मों से एक है। इट इज़ कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री। यह भारत का एक बहुत यह एक यह हमारे देश के बहुत बड़े भाग को कवर करता है। इट इज़ बॉर्डर टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड गेट्स नैरोअर टूवर्ड्स द साउथ। और यह उत्तर की ओर बहुत ही विशाल है और दक्षिण की ओर बहुत ही संकुचित यानी छोटा है। इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल प्लेस अपसाइड डाउन। यह एक त्रिभुज की तरह दिखता है जो उल्टा रखा हुआ है। दिस प्लेट्यू स्लोप्स From west to east, that is why most rivers in this region flow from west to east. यह पठार पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान वाला है, इस कारण अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। It is bordered by hilly regions called ghats on the western and eastern sides. इसकी जो सीमाएं हैं वह पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ों से घिरी हुई हैं जिन्हें घाट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। इन्हें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी कहा जाता है, जैसे हिंदी में पश्चिमी और पूर्वी घाट भी कहते हैं रेस्पेक्टिवली। इट इज़ आल्सो बाउंडेड बाई सेवरल हील्स इन द नॉर्थ। यह उत्तर में कई पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। द अरावली हील्स आर टू इट्स नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हील्स टू इट्स नॉर्थ ईस्ट। अरावली पहाड़ियाँ इसके उत्तर पश्चिम में हैं और राजमहल पहाड़ियाँ इसके उत्तर पूर्व में हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन्स, अब हम दक्षिणी पठार के भागों के बारे में पढ़ेंगे। द साउथर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इंटू टू मेन एरियाज बाई द सतपुरा रेंज ऑफ हिल्स एंड द नर्मदा रिवर। दक्षिणी पठार को सतपुरा पर्वतमाला और नर्मदा नदी दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। टू द नॉर्थ ऑफ द सतपुरा एंड द नर्मदा रिवर आर द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड टू द साउथ इज द डेक्कन प्लेट्यू। सतपुड़ा के उत्तर में और नर्मदा नदी मध्य हाईलैंड्स है और दक्षिण में यह डेक्कन पठार है। द सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय हाईलैंड्स पठार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर मेड अप ऑफ द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा का यह के द सेंट्रल हाईलैंड्स यह जो केंद्रीय हाईलैंड है यह मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार से बना हुआ है। द मालवा प्लेट्यूज, अब हम मालवा प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। द मालवा प्लेट्यू इज मेड ऑफ लावा। मालवा का जो पठार है वो लावा से बना हुआ है। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश एंड गुजरात इन द वेस्ट। इसमें पश्चिम में राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं। द रिवर्स चंबल एंड माही फ्लो थ्रू द रीजन। जो चंबल और माही नदियां हैं इस क्षेत्र से बहती हैं। दिस प्लेट्यू हैज़ रिच ब्लैक सॉयल दैट इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और इस क्षेत्र में जो इस पठार से जो ब्लैक मिट्टी बहती निकलती है वो सुटेबल होती है कॉटन प्लांट्स के लिए। द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के पूर्वी हिस्सों को कवर करता है। दिस रीजन इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा बिहार एंड छत्तीसगढ़।
इस क्षेत्र में झारखंड राज्य और उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं। दिस प्लेट्यू हैज थिक फॉरेस्ट एंड वास्ट मिनरल रिजर्व्स। इस पठार में घने जंगल और विशाल जो खनिज भंडार हैं। द चीफ मिनरल्स ओर्स फाउंड इन द रीजन्स आर माइका, कोल, मैगनीज एंड आयरन ओर। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं अभ्रक, कोयला, मैगनीज और लौह अयस्क। द डक्कन प्लेट्यूज कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया। डक्कन का जो पठार है वह बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। द नेम ऑफ डक्कन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिण विच मीन्स साउथ। इसका जो नाम डक्कन है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दक्षिण। इट कवर्स मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। यह जो है साउथ इंडिया को कवर करता है। इट इज बाउंडेड ऑन आइदर साइड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। यह जो वेस्टर्न यानी पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है। द वेस्टर्न घाट्स आर सह्याद्री आर कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पहाड़ियों की यह निरंतर श्रृंखला है। दे इंक्लूड द नीलगिरी एंड अनामलाई एंड कार्डामम हिल्स। इसमें जो है नीलगिरी और अनामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ शामिल हैं। The eastern ghats on the other hand are not as high as the western ghats and are broken into smaller hills. दूसरी ओर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तरह ऊंचे नहीं हैं और ये जो छोटी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बटे हुए हैं। The western and the eastern ghats meet at Kanyakumari in the south. पश्चिमी और पूर्वी घाट दक्षिण में कन्याकुमारी से जाकर मिल जाते हैं, मतलब मिलते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द डक्कन प्लेट्यूज। खेती जो है डक्कन के पठार का मुख्य व्यवसाय है। दिस रीजन हैज़ रिच ब्लैक सॉयल दैट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर कॉटन क्रॉप। डक्कन के जो पठार हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है और जो इसकी जो ब्लैक सॉयल यानी जो ब्लैक मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है कॉटन क्रॉप्स के लिए। सीरियल्स, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड पल्सेस आर आल्सो द मेजर क्रॉप ग्रोन हियर। अनाज, तिलहन और कपास आदि बहुत ही उपजाऊ जो चीज़ें हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं। देयर आर आल्सो मेनी इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। यहाँ पर इस क्षेत्र में कई और बहुत बड़े उद्योग हैं। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कॉटन, टेक्सटाइल्स, सुगर, तंबाकू, पेपर, मशीन टूल्स ईटीसी। सूती वस्त्र, चीनी, तंबाकू, कागज, मशीन टूल्स आदि का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। द क्लाइमेट इज मॉडरेट एंड रेनफॉल इज लो हियर। और जो यहाँ की जलवायु है वो बहुत ही मध्यम है और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। द रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन्स। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बारे में जानेंगे बच्चों। द प्लेट्यू रीजन्स आर इरीगेटेड बाई मेनी रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी।
पहाड़ी क्षेत्रों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी जैसी कई नदियां हैं जिनसे सिंचाई की जाती है। अनलाइक द हिमालयाज हिमालयन रिवर्स, दीज रिवर्स आर रेन फेड। हिमालयी नदियों के विपरीत इन नदियों में वर्षा अधिक होती है। दे डिपेंड टोटली ऑन द मानसून फॉर देयर सप्लाई ऑफ वाटर। और ये पानी की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहती हैं। दस दे माइट बी फ्लोडेड बाई हैवी रेनफॉल और माइट ड्राई अप ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द समर्स। ग्रीष्मकाल के दौरान वर्षा की कमी के कारण ये शुष्क हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन सम ऑफ दीज रिवर्स टू स्टोर द एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग द मानसून। परिणामस्वरूप मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने के लिए इनमें कुछ नदियों में बांधों का निर्माण किया जाता है। द मेट्योर डैम ऑन द कावेरी रिवर इज द लार्जेस्ट एरिगेटन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया। और कावेरी नदी पर जो बांध बनाया गया है वो मीटर डैम के नाम से इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ है। अदर फेमस डैम्स आर द हीराकुंड डैम ऑन द महानदी रिवर एंड द नागार्जुन सागर डैम ऑन द कृष्णा रिवर। अन्य प्रसिद्ध जो बांध है वो महानदी पर हीराकुंड बांध और कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। एक्सेप्ट द नर्मदा एंड द तापी ऑल द अदर रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल वाइल द नर्मदा एंड द तापी इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी को जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और नर्मदा और तापी जो तापी नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। और मेनी प्लेसेस द रिवर्स फ्रॉम वाटरफॉल्स, कई स्थानों पर झरने से भी नदियां निकलती हैं। लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन्स, जीवन जो पठारी क्षेत्र हैं उन पे जीवन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आगे। द स्टेट्स इंक्लूड्स इन द प्लेट्यू रीजन्स आर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। पहाड़ी क्षेत्र में जो शामिल राज्य हैं वो हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दीज स्टेट्स, आइए इन राज्यों के लोगों के जीवन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आगे। मध्य प्रदेश, सबसे पहले बच्चों मध्य प्रदेश के बारे में लाइफ के बारे में जानेंगे यहाँ लोगों के बारे में। मध्य प्रदेश इज़ द कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। इट्स कैपिटल इन भोपाल, इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। इंदौर इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट, इस राज्य की सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर है। जोधपुर एंड ग्वालियर आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज, जोधपुर और ग्वालियर भी इसके दूसरे महत्वपूर्ण शहर हैं। मध्य प्रदेश इज होम टू नेशनल पार्क लाइक कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक्सेट्रा।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों में जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ और राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख हैं। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, द मेजरटिक फोर्ट ऑफ ग्वालियर एंड द बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची। यह खजुराहो के मंदिर और ग्वालियर के राष्ट्रीय किलों और सांची स्तूप के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पीपल स्पीक हिंदी एंड मालवी, यहाँ के लोग जो है मालवी और हिंदी बोलते हैं। फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, ईद, दशहरा, रामनवमी इटीसी, यहाँ के जो त्यौहार हैं वो दिवाली, दशहरा, रामनवमी आदि हैं एंड आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पे मनाया जाता है। वीट, सोयाबीन एंड ब्ली एंड मिल्टर्स आर ग्रोन हियर, यहाँ पर गेहूँ और सोयाबीन और मिल्टर्स आदि उगाए जाते हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर्ड एट चंदेरी एंड माहेश्वर। यह चंदेरी और माहेश्वर हस्तशिल्प और हथकरघा कपड़ों के लिए बहुत अधिक फेमस है। छत्तीसगढ़, बच्चों मध्य प्रदेश के बाद अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 में मध्य प्रदेश के बाहर किया गया था। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की। इट इज़ फुल ऑफ द मोन्यूमेंट्स, केप्स, टेम्पल्स एंड वाटरफॉल्स, यह पुराने स्मारकों, मंदिरों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट्स, राज्य का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। द स्टील प्लांट एट भिलाई सिटी इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, और भिलाई शहर में स्टील का जो प्लांट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। द महानदी इज द मेन रिवर ऑफ दिस स्टेट, महानदी इस राज्य की प्रमुख नदी है। पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी, यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। छत्तीसगढ़ इज नोन फॉर कोसा सिल्क एंड राउत नाचा इज द फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोसा सिल्क के लिए जाना जाता है, यहाँ पे राउत नाचा इसका जो है एक लोक नृत्य है। झारखंड, द न्यू स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्मली अ पार्ट ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 विथ रांची एज इट्स कैपिटल। बिहार के अतिरिक्त झारखंड का नया राज्य वर्ष 2000 में राजधानी के रूप में रांची के साथ बनाया गया था। झारखंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स इन इंडिया, झारखंड भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। इट हैज़ टू ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट्स इन इंडिया, वन ऑफ बोकारो एंड द अदर ऑफ जमशेदपुर, भारत में इसके दो सबसे बड़े स्टील प्लांट हैं, एक बोकारो में है और दूसरा जमशेदपुर में है। इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, कॉपर, माइका एक्सेट्रा, और यह कोयला, लोहा, तांबा आदि खनिजों से भरा हुआ है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर आर हिंदी, उर्दू, बंगला एंड उड़िया, प्रिंसिपल उड़िया, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मुख्य भाषाएं हैं उर्दू, बंगला और उड़िया। प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स ऑफ झारखंड आर राइस, वीट, मेज एंड पल्सेस, झारखंड की मुख्य जो भाषा है वो मुख्य खाद्य फसलें हैं वो चावल, गेहूं, मक्का और दालें हैं।
महाराष्ट्र। अब हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इट लाइज ऑन द बेस्ट कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी और यह अरब सागर के साथ पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कॉटन टेक्सटाइल इज़ द मेन इंडस्ट्री वाइल फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री आल्सो नोन एज बॉलीवुड इज फेमस इंडस्ट्री ऑफ मुंबई और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कॉटन टेक्सटाइल मुख्य उद्योग है यहाँ का और यहाँ पर ही बच्चों फिल्म निर्माण उद्योग जिसको बॉलीवुड कहा जाता है वो मुंबई में ही अन्य कई प्रसिद्ध उद्योग भी हैं। और हियर द सॉयल इज फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड बाय द वाटर ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी के बहाव से आती है। एंड कॉटन सुगर केन वीट ज्वार एंड बाजरा आर मेनली ग्रोन हियर। यहाँ पर मुख्य रूप से कपास गन्ना गेहूँ ज्वार बाजरा आदि उगाया जाता है। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लाइक अल्फोंस मैंगोज एंड सीडलेस ग्रैप्स आर आल्सो ग्रोन हियर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल जैसे अल्फोंसो और आम और बीज रहित अंगूर भी उगाए जाते हैं। द पीपुल ऑफ द स्टेट आर कॉल्ड महाराष्ट्रियन। यहाँ के लोगों को महाराष्ट्रियन कहा जाता है। द लैंग्वेज दे स्पीक इज कॉल्ड मराठी बट हिंदी एंड गुजराती आर ऑल्सो स्पोकन हियर। यहाँ की जो मुख्य भाषा है उसे मराठी कहा जाता है लेकिन हिंदी और गुजराती भी यहाँ पर बोली जाती है। दे सेलिब्रेट ऑल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल बट देयर मेन फेस्टिवल इज गणेश चतुर्थी। सारे त्यौहार यहाँ पर मुख्य रूप से मनाए जाते हैं लेकिन जो इनका मुख्य त्यौहार है वो गणेश चतुर्थी है। द ट्रेडिशनल डांस ड्रामा एंड तमाशा एंड द फोक डांस लावनी आर सम स्पेशल अट्रैक्शंस ऑफ द स्टेट। पारंपरिक नृत्य नाटक तमाशा लोक नृत्य लावणी राज्य के कुछ विशेष आकर्षण हैं। कर्नाटका। कर्नाटका लाइज पार्टली ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पार्टली इन द साउथर्न प्लेट्यूज। कर्नाटका जो पश्चिमी तटीय मैदान पर और आंशिक रूप से दक्षिणी पठार में ही है। इट्स कैपिटल बेंगलुरु इज रेफर्ड टू एज द इट कैपिटल ऑफ इंडिया आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। इसकी राजधानी बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। द कृष्णा कावेरी एंड द तुंगभद्रा रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट। यहाँ पर मुख्य रूप से जो नदियाँ बहती हैं उसका नाम है कृष्णा कावेरी और तुंगभद्रा जो कि इसी राज्य से होकर बहती हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। कॉटन ज्वार रागी कॉफ़ी स्पाइसेस एंड नट्स आर मेनली ग्रोन हियर। यहाँ की जो मुख्य खेती यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ मुख्य रूप से ज्वार कपास रागी और काफ़ी मसाले नट आदि उगाए जाते हैं। कर्नाटका इज़ द फेमस इट्स यूनिक फॉर्म ऑफ कॉमिक कार्नेटिक म्यूजिक एंड इट्स सिल्क सैंडलवुड एंड गोल्ड माइंस। कर्नाटका जो है संगीत और अपने रेशम चंदन सोने आदि के खानों के लिए प्रसिद्ध है। द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज फास्ट ग्रोइंग इन बेंगलुरु। कंप्यूटर उद्योगों में जो कंप्यूटर उद्योग बेंगलुरु में ही पैदा हुआ। गोल गुंबज एट बीजापुर एंड मैसूर प्लेसेस आर द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हियर।
बीजापुर और मैसूर का जो गोल गुंबज है यहाँ का प्रमुख पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है। द द द वृंदावन गार्डन्स नियर मैसूर इज़ अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। और मैसूर के पास वृंदावन उद्यान यहाँ का एक अन्य पर्यटन स्थल है। कन्नड़ इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। कन्नड़ जो यहाँ पर सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज है। द मेन फेस्टिवल इज़ उगादी हियर। इनका जो मुख्य त्यौहार है वो उगादी है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज़ अ स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया। आंध्र प्रदेश दक्षिणी पूर्व भारत का एक राज्य है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ हैदराबाद। इस राज्य की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश इज़ कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। राइस, सुगर केन, कॉटन, मैंगो एंड तंबाकू आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पर जो चावल, गन्ना, कपास, आम और तंबाकू मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। इट हैज़ रिच मिनरल्स वेल्थ ऑफ लेमस स्टोन्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। इसके पास जो चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जो है खनिज संपदा है और कोयला भी। इट इज़ होम टू द नागार्जुन सागर डैम, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से नागार्जुन सागर बांध इसका घर है। इट इज़ आल्सो द सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, यानी जो सॉफ्टवेयर के का विकास हुआ है उसका ये जो मुख्य केंद्र है आंध्र प्रदेश। द चारमीनार एंड द सलार जंग म्यूजियम आर सम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हियर। चारमीनार और सलार जंग संग्रहालय यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। तेलंगाना, तेलंगाना इज़ अ स्टेट इन साउथ ईस्ट इंडिया। तेलंगाना दक्षिणी पूर्व भारत में से एक राज्य है। इट शेयर्स द कैपिटल हैदराबाद विथ आंध्र प्रदेश। यह जो है बिफोर 2014 इट वाज द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यह 2014 से सबसे पहले आंध्र प्रदेश के राजधानी हैदराबाद का को भी साझा करता था, मतलब मिला हुआ था उससे। सो बोथ द स्टेट्स फॉलोज सेम कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैविंग सेम एक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और वारंगल, निज़ामाबाद एंड करीमनगर ईटीसी। और इसीलिए दोनों राज्य की जो समान संस्कृति और परंपरा है वो एक ही जैसी है। यहाँ का व्यवसाय और यहाँ की जो कृषि पद्धति और यहाँ पर जो इनके जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो एक ही हैं। आर सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ तेलंगाना, गोलकुंडा, चार मीनार, चौमहल्ला प्लेसेस, कुतुबशाही, टॉम्स इटीसी। यहाँ के जो महत्वपूर्ण शहर हैं गोलकुंड, चार मीनार, चौमहल्ला प्लेसेस, कुतुबशाही कब्रें आदि यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं। आर सम फेमस प्लेसेस। तमिलनाडु, तमिलनाडु इज़ द साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। इट्स कैपिटल इज चेन्नई, इसकी राजधानी चेन्नई है। वेल्लोर, कोयम्बटूर एंड मदुरई आर सम मेन सिटीज़। कोयम्बटूर और मदुरई, वेल्लोर और
मदुरई यहाँ के मुख्य शहर हैं। पॉपुलर हिल स्टेशंस इन दिस स्टेट आर उधम मंडलम, जैसे ऊटी भी कहते हैं, एंड कोडाई कनाल। और राज्य में जो लोकप्रिय चित्र हैं वो हैं उधम मंडलम, ऊटी और कोडाई कनाल। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल इज फार्मिंग हियर, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। दे ग्रोन राइस, सुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंड नट, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। ये लोग चावल, गन्ना, कपास और मूंगफली उगाते हैं। पोंगल इज़ अ फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है फसलों वाला। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट, तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क सारीज एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स, यहाँ का जो यह जो राज्य है वह सुंदर साड़ियों और सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीवरम एंड मदुरई आर द मेन सिल्क वेविंग सेंटर्स, कांचीपुरम और मदुरई यहाँ का जो है मुख्य रेशम बुनाई केंद्र है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई एंड द रॉक कट टेम्पल्स एज मल्लपुरम एंड रामेश्वरम आर वर्ल्ड फेमस। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और मल्लपुरम और रामेश्वरम मंदिर के रूप में रॉक कट मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इडली, डोसा, सांभर एंड उपमा आर सम पॉपुलर फूड्स ऑफ तमिलनाडु, इडली, डोसा, सांभर और उपमा तमिलनाडु के कुछ लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं। सो बच्चों, आपका ये चैप्टर 7 मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।